Assalamu alaikum, welcome again. We are doing this HTML and CSS series, and now बहुत सारी चीजें HTML की हमने जो है देख ली हैं, कुछ चीजें रह गई हैं, बहुत क्योंकि HTML एक बहुत ही वास्ट, इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, तो बहुत सारी चीजें जो है आ गई है, कुछ आगे भी आ जाएगी कुछ, लेकिन जैसे डिविजन सेक्शन पे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कवर नहीं किया, उन पर काम नहीं किया, वो चीजें CSS में आ जाएंगी, क्योंकि CSS में हमें अब और भी इसमें इन डेप्थ जाना है, पहले बेसिक CSS सीखेंगे और फिर CSS में कैसे हम इंक्लूड करें, कैसे स्टाइल्स हम लाएंगे, कैसे अपने गुड लुक, एक अच्छी सी लुक, एक अच्छी सी फील देंगे हमें अपने वेब पेज को, ठीक है। तो व्हाट इज CSS एक्चुअली? CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो हमारे पास एक असल में एक वेबसाइट है, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है w3.org या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम से बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो वेबसाइट है, आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो w3.org/style/css करके, तो ये एक पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप कैसे यूज करते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या है, सारी चीजें एक्चुअली वेब के बारे में, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी नई चीजें आ जाती है वेब में, इंटरनेशनल में जो एक्सेप्ट की जाती है, तो वो सारी चीजें, उनकी सब चीजों की डिटेल जो है यहाँ पर आपको मिल सकती है। जैसे ये यहाँ पे ये वाला पेज है, ये स्टाइल शीट के बारे में है, लर्न एंड यूज कैसे करना है, इसके सॉफ्टवेयर पार्ट्स पेयर कर सकते हैं, कोई आर्टिकल है यहाँ पे इसके, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल सकती है, ठीक है। तो हम जानेंगे अभी कि क्या है CSS और कैसे यूज किया जाता है, फिलहाल कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक बहुत सारी ऑनलाइन में अवेलेबल है, तो वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे भी पसंद है इज w3school.com। तो इनकी देखेंगे कि इनने बहुत ही अच्छे तरीके से CSS वगैरह को दिखाया है। तो CSS को यूज करने के लिए असल में हमारे पास तीन तरीके हैं, वन इज कॉल्ड इनलाइन, सेकंड इज इंटरनल एंड थर्ड इज एक्सटर्नल, ठीक है। तो तीन तरीके हैं स्टाइल करने के या CSS ऐड करने के अपने पेज में, वन इज इनलाइन, सेकंड इज इंटरनल एंड थर्ड इज एक्सटर्नल, ठीक है। तो इनलाइन देखते हैं पहले, इनलाइन क्या होता है? तो इनलाइन वो वाला स्टाइल है कि जो हम जो कोई HTML टैग हम लिखे वहीं पर हम इसका स्टाइल भी लिखे। सपोज हमने यहाँ पे हमारे जो पेज है, देखिए हमने यहाँ पे एक H1 लिखा है, हेडिंग टैग है, अगर मैं इसका स्टाइल करना चाहूँ तो मुझे लिखना है स्टाइल, ठीक है। फिर स्टाइल में अपने ऑप्शंस है, अपनी प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी है हमें कलर, तो कलर फिर कोलन करके मैं कलर के एक ऑप्शन दे सकता हूँ। सपोज मैं इसका कलर रखता हूँ ब्लू, ठीक है, टर्मिनेट में कर देता हूँ, तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से चेक कर, तो यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्शंस आ गई, मैंने इसको स्टाइल दिया, तो ये इनलाइन स्टाइल है, इनलाइन CSS। मैंने जहां पर मैं एक टैग लिख रहा हूँ वहीं पर उसका जो प्रॉपर्टीज, एक सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, स्टाइल ऐड कर रहा हूँ और वहीं पर ऐड कर, मैं कलर ऐड कर सकता हूँ, बैकग्राउंड ऐड कर सकता हूँ, सपोज बैकग्राउंड कलर भी मैं लिख सकता हूँ इसका, सपोज अगर इसका बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए हम ग्रीन रख दें, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, तो फिलहाल के लिए हम इसको, दो मिनट के लिए हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बताने की जरूरत है कि यहाँ पर एक्सेल में फॉन्ट में भी हम फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, किस तरह का फॉन्ट, फॉन्ट साइज यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें वो हम देखेंगे एक एक करके। फिलहाल यहाँ पे ये चीज है कि स्टाइल हम लिखते हैं ऐसे, हम टैग में ही लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक नया टैग यूज करें, पैराग्राफ टैग, तो हियर इज अ पैराग्राफ, ठीक है, तो मैं पैराग्राफ टैग, तो अगर मुझे इसका स्टाइल करना है तो इनलाइन स्टाइल, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टाइल, सपोज इसका भी कलर, कलर रेड, ओके, सपोज एक और ऑप्शन फॉन्ट साइज, सपोज मैं इसका फॉन्ट है 30 pixels लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे देखूंगा, तो यहाँ पे मेरे एक पैराग्राफ आ गया और उसका फॉन्ट साइज जो है 30 pixels आ गया। तो ये ऑप्शन ऐसे, इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी ऑप्शन हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन कहने का यहाँ पर ये मकसद है कि एक हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इनलाइन, यानी जहां पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं अपने टैग को, वहीं पर उसी में स्टाइल भी, ठीक है। तो एक तरीका है हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग करने का। देन वी हैव अदर टाइप ऑफ स्टाइलिंग,
और इंटरनल स्टाइलिंग, तो इंटरनल स्टाइलिंग कैसे की जाती है, सपोज ये हमारे पास ये दो चीजें हैं HTML, हम ये स्टाइल है जो है अभी के लिए इनमें डिलीट करते हैं, तो ये स्टाइल हम डिलीट करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे नहीं लिखना है स्टाइल, कहीं और करना है, सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरनल स्टाइल हेड में, हेड की ऑप्शन में हमने इससे पहले भी देखा है कि HTML में कि हेड में क्या क्या हो सकता है, एक चीज उसमें हो सकती है जो हम बोलते हैं स्टाइल करना, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल टैग, फिर स्टाइल टैग को बंद भी करना होता है, स्टाइल टैग को हम बंद भी करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, H1 के लिए वो जितने भी H1 आएंगे उनमें ये आ जाएगा, सपोज कलर ग्रीन, और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, चलो सपोज कलर ग्रीन फिलहाल के लिए, तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरा जो H1 है तो कलर ग्रीन, जो अगर मैं को एक और H1 भी यूज करता हूँ यहाँ पे, सपोज एक और H1, एक और H1 मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो उसका भी कलर जो है बाय डिफॉल्ट ग्रीन आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है कि H1 के लिए कलर जो है वो ग्रीन होगा। ऐसे ही मैं पैराग्राफ टैग के लिए सपोज कलर रेड कर सकता हूँ, या इसका जैसे अभी हमने किया था फॉन्ट साइज, हम इसका 30 पिक्सल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी पैराग्राफ्स आएंगे, एक और पैराग्राफ अगर मैं लिखूँ तो उसमें ये चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये इंटरनल हुआ, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे हम आईडीज यूज करते हैं, कैसे हम क्लासेस यूज करते हैं। फिलहाल के लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे कि ये ऑप्शन है हमें इंटरनल, यानी हमने हेड में एक्सेप्ट ऑप्शन यूज की, एक टैग यूज किया स्टाइल, तो स्टाइल के अंदर हम इसमें जो भी स्टाइल लिखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होंगे हमारे सारे पेज में, ठीक है। देन वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ कॉल्ड एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल क्या है, सपोज यही स्टाइल अगर मैं किसी फाइल में लिखता हूँ, ये स्टाइल मैं यहाँ से कॉपी करके एक नई फाइल बनाता हूँ, सपोज एक नई फाइल मैं बनाता हूँ, ठीक है, मैंने एक नई फाइल बनाई, अब इसमें मैंने ये लिखा, तो इस फाइल को मैं अब सेव करता हूँ, तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसमें सेव कर लिखता हूँ मैं इसमें नाम STYLESTYLE.css या जो भी मैं लिखूँ, या MyStyle.css.css करके, यानी इसका एक्सटेंशन में css बनाता हूँ, तो मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने पेज पे, देखो अब ये जो पेज है इसमें स्टाइल कहीं नहीं है, मैं वापस आ जाता हूँ इस पे रिफ्रेश, तो कोई इस पे ये जो है स्टाइल नहीं है, इस फाइल पे कोई स्टाइल नहीं है, ठीक है, तो इस पे कोई स्टाइल नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें अगर इसमें स्टाइल ऐड करना है तो हम कैसे स्टाइल ऐड करें, तो एक्सटर्नल सीएसएस जो है, हम एक्सटर्नल सीएसएस क्या बोलता है हमें कि आप हेड में जाके एक लिंक लिखो, ठीक है, हेड में ही हम लिंक लिखते हैं, लिंक, और फिर रेल, रेल का मतलब ये कौन किस टाइप की लिंक है, तो इसके रिलेशन जो है, रिलेशन एक उसकी जो है वो स्टाइल शीट है, ये स्टाइल शीट है, और HREF ये इसका नाम दे दो इस फाइल का, या जहां भी हो पूरा एड्रेस देना होता है, ये हमारी लोकल फाइल में, तो मैं लिखूंगा mystyle.css, मैंने इसका भी नाम रखा था mystyle.css, ठीक है। अब हम इसको सेव करके यहाँ पे देखें क्या ये ऑप्शन यहाँ पे आती है, ठीक है। तो जो ही मैंने इसको अब रिफ्रेश किया, ठीक है, तो वहाँ वो जो मैंने लिखा था mystyle.css एक्सपेंड के लिए, पैराग्राफ टैग के लिए, वो चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये तीन तरीके थे हमारे पास असल में सीएसएस लिखने के, जैसे यहाँ पर भी इसने लिखा है स्टाइल शीट यूज किया है, ठीक है, फिर इसने एक स्टाइल शीट अलग से बनाया है, बैकग्राउंड में चेक किया, बॉडी बैकग्राउंड वगैरह। तो तीन तरीके के जो हमारे पास ऑप्शंस है सीएसएस ऐड करने के लिए, वन इज इनलाइन, हम जहाँ पे हम लिखेंगे तो वहीं पर, सेकंड इज इंटरनल, हम हेड में एक स्टाइल सेक्शन क्रिएट करें, तीसरा इज हम एक अलग फाइल बनाए और फाइल में वो सीएसएस लिखे। फाइल में सीएसएस लिखने का एक फायदा है कि हम उसके रियूज कर सकते हैं, और एक ही जगह पे हमें चेंज करनी है और हर एक पेज में वो रियूज होगा, ठीक है।